तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम सहित देश के सभी जगह सभी मंदिरों को सुपर ब्लू ब्लड मून के चलते धार्मिक मान्यताओं का पालन किया गया है। तो वैसे हर साल लगता है कि, लेकिन इस साल का चंद्र ग्रहण बहुत खास है। एशिया में 35 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि जब ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून एक साथ दिखेंगे, आम दिनों में दिखने वाले चंद्रमा के मुकाबले ये काफ़ी चमकीला और बड़ा होगा। और दावा ये भी है कि पूर्णिमा के चांद की तुलना में यह 30% ज़्यादा चमकीला और 12% बड़ा होगा। भारत में चंद्र ग्रहण 5.18 मिनट से लेकर 8.31 मिनट तक दिखेगा। इस तरह का संयोग एशिया में 30 दिसंबर 1982 को बना था। आइए आज जानते हैं सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून क्या होता है। सुपर मून उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है और पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा बहुत बड़ा और चमकीला दिखता है। इस स्थिति में पूर्ण चंद्रमा दिखता है, लेकिन चंद्रमा के निचले हिस्से से नीला प्रकाश निकलता दिखता है। इसे ब्लू मून कहा जाता है। माना जाता है कि अगला ब्लू मून 2028 और 2037 में दिखेगा। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा को ढक लेता है, लेकिन फिर सूर्य की कुछ किरणें चंद्रमा तक पहुंचती है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर गिरती हैं तो ये लाल दिखता है। इसी कारण से इसे ब्लड मून कहा जाता है।